तो नमस्कार फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और फ्रेंड, आज मैंने यहाँ पे बनाया है रामदाने के लड्डू। इस तरीके से देखिए, बहुत ही अच्छे और टेस्टी बने हैं। तो ये घर पे मैंने बनाया है एकदम शुद्ध और साफ सुथरा तरीके से, क्योंकि पूजा के लड्डू हैं तो इसके लिए साफ़ सुथरा बहुत ज़रूरी है। मार्केट से भी हम खरीद सकते थे, लेकिन घर पे मैंने बनाया इस तरीके से। तो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने लड्डू बनाया। चलिए वीडियो दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सब मेरे साथ बने रहिएगा, अपना साथ सहयोग जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड, आज हम बनाने चल रहे हैं रामदाने के लड्डू, जो कि ये रामदाना है, मार्केट में अच्छे से मिल जाता है, जहाँ गल्ला वगैरह मिलता है वहाँ पे। तो ये 1 पाव रामदाना है और तिलवा आ रहा है, तो इसलिए लड्डू वगैरह सारे बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको देखिए अच्छे तरीके से धुल के और साफ़ कर लिया है। तो इसका मिट्टी और कंकड़ जो भी होता है इसमें ज़्यादा रहता है, इस सब चीज़ों में, तो मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है धुल के। और मैं यहाँ पे बनाने चल रही हूँ लड्डू। तो 1 पाव तिल है और 1 पाव ही मैं यहाँ पे गुड़ डालूंगी, गुड़ का ही बनाऊंगी, और अच्छा लगता है। और शकट पे ये तिल का लड्डू और रामदाने का लड्डू चढ़ता है चार चार। तो बस यही मैं बनाऊंगी। और हाँ, गंजी वगैरह भी चढ़ती है, तो सारी चीज़ें चार चार चढ़ती हैं। आप सब लोग पूजा करते हैं तो सबको पता होगा फ्रेंड। तो इसको मैं चल रही हूँ अब गैस पे ही भूनूंगी साफ़ सुथरे से। तो बस ये देखिए, कढ़ाई मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है फ्रेंड। और इस तरीके से मैंने एक कपड़ा साफ़ ले लिया है, और मैं बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके भूजूंगी। इस तरीके से हल्के हाथों से इसे हिलाना है। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से ये प्लेट से मैं ढक दे रही हूँ कि ऊपर से, नीचे से चला रही हूँ क्योंकि ऊपर से ये बाहर निकल रहा है। और बहुत अच्छे तरीके से देखिए बुना गया ना, बहुत अच्छे तरीके से ये भून रहा है। तो इस तरीके से मैं सारे रामदाने भून लूँगी। तो इस तरीके से मुझे भूनना है, भून लिया है मैंने काफ़ी, देखिए इतना मैंने भून लिया है। और ये बचा है, तो इस तरीके से थोड़ा सा इसके थोड़ा ढक ढक के भूनना है, ताकि बहुत छीटता है ना, देखिए पूरा अगल बगल पूरा एकदम लावा लावा हो गया है। तो इस तरीके से मैंने सारे रामदाने भून लिए हैं, और अब चढ़ाते हैं हम चाशनी। आसान है और शुद्ध भी है, घर पे शुद्ध तरीके से साफ सुथरे तरीके से हम बना लेते हैं धुल के और साफ करके। और मार्केट वाला तो पता नहीं कैसे मतलब बनाते हैं, ज़्यादा बनाते हैं वो लोग ना, इसलिए। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने सारा भून लिया है, और एक ही दाना आप देख सकते हैं खिल गया है, बहुत ही अच्छा बुना गया है मेरा। अब चाशनी चढ़ाते हैं, और इसी को हम साफ करके इसी में चाशनी बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच पानी डाली हूँ, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। और मैं है 1 पाव, ये है गुड़, बस इसको इसी का पाक बनाना है, थोड़ा सा गुड़ गल जाए। तो देखिए चाशनी बनके ये हो गई है रेडी। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये लड्डू के लिए तैयार है कि नहीं? तो मैं इस तरीके से यहाँ पे चेक करती हूँ, देखिए इसका बन गया है लड्डू, देखिए बहुत अच्छे तरीके से। तो अब इसको उतार लेते हैं हम। तो अब इसमें सारे रामदाने इस तरीके से हम डाल देंगे, और फिर अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से।
ये हो गया है मिक्स। तो हमें जल्दी जल्दी इसके लड्डू बना लेने हैं। इस तरीके से तो हाथ में हमें थोड़ा सा तेल या घी कोई चीज़ लगा लेना है और बस फिर जल्दी जल्दी इसे हम बांध लेंगे लड्डू इसके। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे तेल लगा लिया है थोड़ा सा, बस कुछ भी नहीं करना है, आराम से इस तरीके से छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं। तो बना बना के हम इसी में धर ले रहे हैं प्लेट में। तो पहले फ्रेंड हम ये सब लड्डू बहुत ज़्यादा बनाया करते थे अपने मम्मी के यहाँ। सारे जितने भी लड्डू बनते हैं, तिल के और रामदाने के, लाई के, मकई के, जितने और चावल के आटे के जितने लड्डू बनते हैं, मैं सारा बना के पहले धर लिया करती थी इस तरीके से बनाती थी। तो मुझे आता है सारी चीज़ें बनाना, इसकी चाशनी। तो मैं सारे लड्डू भी बना ले रही हूँ। तो फ्रेंड लड्डू बनके हो गए हैं रेडी इस तरीके से, देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं ये। तो ये अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे तरीके से फ्रेंड घर पे, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना फ्रेंड, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।